नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पहाड़ी ब्रदर्स की नई वीडियो में। खेलों के महाकुंभ का आगाज हो चुका है और आज से आर्चरी के रैंकिंग राउंड भी हो गए भारत के। तो इस वीडियो में दोस्तों रैंकिंग राउंड आर्चरी के बारे में बात करूंगा, क्या रिजल्ट रहा, क्या डिटेल रही, किसके कितने चांसेस हैं, सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए रिजल्ट के लिए चलते हैं, मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले रिजल्ट ही देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम यहां पर आपको मेंस का रिजल्ट दिखा देते हैं, जिसमें धीरज भाई ने फोर्थ नंबर पर फिनिश किया है और इनका टोटल स्कोर रहा 681। पहले हाफ में इन्होंने 335 पॉइंट्स लिए और सेकंड हाफ तक ये 381 तक पहुंच गए, यानी कि टोटल 346। पहले सेकंड हाफ में इन्होंने ज्यादा पॉइंट निकाले हैं। तरुणदीप राय यहां पर 14th नंबर पर फिनिश कर पाए हैं, फर्स्ट हाफ में 337, सेकंड में भी सेम 337 कंसिस्टेंसी दिखाते रहे, 14वें नंबर पर फिनिश कर पाए हैं। और 39th नंबर पर हमारे प्रवीण जाधव जी ने फिनिश किया 328 और 330 658 के स्कोर के साथ। ये होगा इंडिविजुअल का। अब इसमें धीरज भाई के लिए पाथवे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहीं पर तरुणदीप के लिए थोड़ा पाथवे आसान है आगे के लिए, कोरिया मिल जाएगा धीरज भाई को। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है इंडिविजुअल पर। टीम की बात करते हैं तो टीम इंडिया में इस समय फ्रांस की टीम जो है नंबर 2, इंडिया नंबर 3 पर, कोरिया नंबर 1 पर है। लेकिन इंडिया के पास चांस बहुत अच्छा है, इंडिया कोलंबिया फ्रांस और कजाकिस्तान, फ्रांस को क्वार्टर सेमीफाइनल में और क्वार्टर फाइनल में हमें कोलंबिया या फिर कजाकिस्तान जैसी कोई कंट्री एक मिल सकती है, उनको हरा कर हम सेमीफाइनल फाइनल में आराम से पहुंच जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात होगी। फाइनल पहुंचना बहुत बड़ी बात होगी गाइज, आर्चरी के लिए सिल्वर मेडल हिस्टोरिकल मेडल होगा। मिक्स्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि मिक्स्ड का भी यहीं पर रिजल्ट आ गया है। तो मिक्स्ड में देख लीजिए 5वें नंबर पर खत्म किया है, अगर हम ये 7th नंबर पर रहते तो कोरिया नहीं मिलता, अब हमें कोरिया मिलेगा और ये सेमीफाइनल में ही मिलेगा। सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए जा सकते हैं, सो क्वाइट इंप्रेसिव, ठीक है, अच्छा रहा, ओके ओके रहा। अगर हम आगे बढ़े और वुमेन्स का देख लेते हैं तो वुमेन्स में थोड़ी निराशा रही, एज एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी अंकिता जी थर्ड पर और फर्स्ट पर शायद भजन या फिर दीपिका खत्म करेंगी, लेकिन अंकिता ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टोटल 666 के साथ 11th नंबर पर फिनिश किया और वहीं पर भजन और दीपिका जी ने एकदम मिले जुले स्कोर रहे, 23 और 24 नंबर पर खत्म किया है 659 और 658, तो एक पॉइंट का फासला था तो इसलिए भजन जी ने ऊपर खत्म किया है। अगर हम टीम इवेंट की बात करते हैं गाइस, तो टीम इवेंट में यहां पर वुमेन्स टीम ने 4th नंबर पर खत्म किया है, चांसेस बहुत मुश्किल हो चुके हैं, चाइना हमें मिल जाएगा सेमीफाइनल में, यानी कि हमें ब्रॉन्ज मेडल मैच इसमें भी खेलना पड़ेगा। तो मतलब कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ब्रॉन्ज मेडल के चांसेस ज्यादा हैं, गोल्ड मेडल के थोड़े से कम चांसेस हैं। कोरिया को बीट करेंगे तो भाई गोल्ड तो अपने आप मिल जाएगा, कोरिया बीट करेंगे तो, कोरिया को बीट नहीं कर पाएंगे फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए हम दिखेंगे और मेंस में शायद ना ही दिखें कहीं पर भी। बट ये पूरा रिजल्ट रहा है, मैं नॉर्मल हूं, थोड़ा हैप्पी भी हूं क्योंकि पहली बार इंडिया टीम अच्छा कर पाई है आर्चरी में और ये ऐतिहासिक मूवमेंट चल रहा है। उम्मीद करते हैं भारत अच्छा करे, छा जाए, जबरदस्त रहे। ये था आज का पूरा रिजल्ट, आज सिर्फ यही मैच हुए हैं, बाकी के मैचेस के रिजल्ट का शेड्यूल वीडियो हम डालेंगे, लेकिन कल सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी है तो कल ही हम 27 जुलाई का भी शेड्यूल डाल देंगे, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, और बहुत सारी वीडियोस भी हम डाल चुके हैं, डालते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को एक बार जस्ट मॉनिटर करिए, एक बार जस्ट चेक करिए, उसको फॉलो करिए तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप जानते ही होंगे हमारी मेहनत बहुत लग रही है, सपोर्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।